Happy New Year to all of you. I am Dr. Ankit Goyal and I welcome you all in the YouTube channel Ankit Finance Club. तो एक एनसीडी और आ चुका है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसमें इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर खास का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न दे रही है बैंक से और पोस्ट ऑफिस से कंपैरिजन में। तो आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के एनसीडी के बारे में, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या है इसके बारे में, एनसीडी के बारे में कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट्स वगैरह सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने गूगल पे सिंपली मुथूट फिनकॉर्प लिखा है और ये muthootfincorp.com इनकी वेबसाइट है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पास आपके सामने ऑप्शन आएगा एनसीडी का और उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, रीस्टार्टेड रिवार्डिंग लाइफ दिस न्यू ईयर, 1 लाख के आपके 1,71,400 बन जाएंगे, ये इन्होंने बता रखा है। तो आइए इसके बारे में पूरा जानते हैं एनसीडी के बारे में। तो सिंपली हमें क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे आएंगे तो आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इसके बारे में मैं एनसीडी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ, ये इनकी 8 सीरीज है, आप देख सकते हैं मुथूट ब्लू एनसीडी, यानी ये जो ग्रुप है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, ये मुथूट ब्लू के नाम से जाना जाता है और आप देख रहे हैं ब्लू कलर से ही इन्होंने मेजोरिटी अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपनी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, कंपनी एक तरीके से NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और ये स्पेशली गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती है, यानी पर्सनल लोन और ये बिजनेस लोन देती है गोल्ड ज्वेलरी के बदले। और भी इनके काफी काम है, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कि गोल्ड लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन, मनी ट्रांसफर, माइक्रो फाइनेंस, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, तो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज काफी काम करते हैं, काफी बड़ा काम है। तो अब जानते हैं हम इसके बारे में कि एनसीडी के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये जो कंपनी है इसका जो एनसीडी है, इसके एनसीडी में आपको 1,000 रुपये का एक एनसीडी है, 1,000 रुपीज़ का, और मिनिमम आपको 10 एनसीडी के लिए अप्लाई करना है, यानी 10,000 रुपये आपको मिनिमम अप्लाई करनी है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम एप्लीकेशन लिख रखा है 10 एनसीडी, 1 एनसीडी इज ऑफ 1,000 रुपीज़, तो 10 आपकी 10,000 हो गई। तो 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है, क्रिसिल की ए स्टेबल रेटिंग दे रखी है, इसका मतलब है कि कंपनी सिक्योर है, स्टेबल है। और अगर इनके बारे में आप और जानना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। और देखिए, आपके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही तरीके के हैं। अगर हम बात करें 27 मंथ्स, 38 मंथ्स और 60 मंथ्स, तो आप 27 महीने के लिए, 38 महीने के लिए या 60 महीने के लिए कंपनी को पैसा दे सकते हैं। और इन्होंने यहाँ इंटरेस्ट रेट बता रखा है कि जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है इफेक्टिव ईल्ड, वो अगर आप 27 महीने के लिए देते हैं और आप मंथली इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको 8.57% मिलेगी, अगर आप 38 मंथ्स के लिए देते हैं तो आपको 8.84% की इंटरेस्ट रेट पड़ेगी। वहीं अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए, यानी 5 साल के लिए देते हैं, तो आपको 9.10% की इंटरेस्ट कंपनी देगी। ये तो ऑप्शन था अगर आप मंथली लेते हैं, पर अगर आप सपोज क्यूमुलेटिव के लिए रेडी हैं, यानी आप चाहते हैं कि अभी हम पैसा दे रहे हैं, हर महीने हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैच्योरिटी पे ही आपको पैसा मिले, तो उसके बारे में भी यहाँ बता रखा है। क्यूमुलेटिव में सबसे ज्यादा जो आपको रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है अनसिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड में इन्होंने बता रखा है 72 मंथ्स के हैं अनसिक्योर्ड, यहाँ पे 72 मंथ्स के लिए आप देख सकते हैं, मंथली, एनुअल और क्यूमुलेटिव तीनों ही ऑप्शन है। यानी कि अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स में जाएंगे तो 27 महीने, 38 महीने और 60 महीने के लिए ले सकते हैं, अनसिक्योर्ड में जाएंगे तो आप ज्यादा लंबे समय, यानी 6 साल के लिए। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि सिक्योर्ड में ही जाएं आप, क्योंकि जो सिक्योर्ड एनसीडी होती हैं उनमें क्या होता है, अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाती तो उनकी जो असेट्स होती हैं वो उससे अटैच कर दी जाती है, यानी उन असेट्स को सेल करके डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट पता लग गई, पर अभी तक हमें इसकी डेट्स नहीं बताई है मैंने आपको। तो ये देखिए, ये जो डेट्स हैं, ये 31 दिसंबर 2020 को ओपन हो गया था और ये क्लोज हो रहा है 25 जनवरी 2021 को, यानी अभी आपके पास टाइम है, काफी टाइम है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 9% की रिटर्न अच्छी रिटर्न है, आप जहां पैसा लगा रहे हैं उससे बेटर रिटर्न ये है, तो आप इस ऑप्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ muthootfincorp.com, और पब्लिक इशू है। और फर्दर अगर आपको और डिटेल चाहिए तो इनका ये प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस को मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका लिंक, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें सारी डिटेल दी हुई है, आपको कुछ और भी जानना हो, सबसे ज्यादा जो हमें देखना होता है वो देखना होता है प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में हमें सारी ही डिटेल मिल जाती है। तो अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ जानना है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना है, जैसे मैं आपको यहाँ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी के बैलेंस शीट और
प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही इन्होंने यहाँ दे रखा है। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, डेट कितना है, कितना कंपनी की फाइनेंशियल हाइटलाइट्स सारी ही चीज़ें दी हुई हैं। तो प्रॉफिट के बारे में यहाँ बता रखा है, इन लैक्स है प्रॉफिट, आप देख सकते हैं ये 2019 का प्रॉफिट है और ये 2020 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन दे रखा है, और साथ ही साथ हाफ ईयर सितंबर 2020 तक का भी इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है। तो फर्दर असेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज, सारी ही चीज़ें यहाँ गिवन है। तो ओवरऑल ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाया है आपको, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के एनसीडी बेटर रिटर्न दे रहे हैं जो 9% प्लस है, आई थिंक ये अच्छी रिटर्न है, रेटिंग भी अच्छी है, क्रिसिल ए है इसकी रेटिंग जो स्टेबल मानी जाती है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी हो तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। देखिए जो भी ये पैसा कंपनी ले रही है, ये गोल्ड लोन कंपनी है, यानी गोल्ड के बदले में, ज्वेलरी के बदले में लोन देती है, तो इन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उस पर्पज से भी लेते हैं ये लोन। साथ ही साथ इनको जो इनके पहले इश्यूज आए होते हैं, जैसे इनका शायद पहले जून या जुलाई 2020 में आया था, उसका भी पेमेंट करना होता है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो इस पर्पस से बिजनेस में पैसा लेते हैं। आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, आप इस कस्टमर केयर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप चाहते हैं इनकी तरफ से आपको कॉल आए, तो आप इसी वेबसाइट पर जाके अपनी नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी और पिन कोड सेलेक्ट करके गेट इंस्टेंट कॉल बैक पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी कि 1 लाख के 1,71,400 बन सकते हैं 6 ईयर्स में, पर आपको ये देखना है कि आपको सिक्योर्ड लेने हैं अनसिक्योर्ड लेने हैं, तो वाइल अप्लाइंग आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी नेट बैंकिंग पर जाइएगा बैंक की, वहाँ पर ई सर्विसेज में ASBA प्रोसेस होगा, राइट। तो आप ASBA प्रोसेस में जाएंगे, डेट में जाएंगे, जैसे आप IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो इक्विटी में जाते हैं, वहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो वहीं आपके सामने आपका इशू मिल जाएगा। और भी दो ओपन है NCD, जिनमें एक कोसामट्टम का ओपन है और एक एडलवाइज ग्रुप के, दोनों NCD के वीडियो मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।